करने के लिए आए हैं। सबको वक्त दिखाएंगे खंडन लिखियो तुम्हें, कल करते रोते जीवी को कहो तुम पर सतहा में। जो कोई शख्स तुमको सुख दे भी तो दुख, इनका धर्म मान के दे भी सुख। और उस पत्र के अंदर आप लिखना कि हमारे साथ में धनी श्री देवचंद्र जी, मोहम्मद साहब जी की शक्ति, मामा जी प्राणनाथ जी, इमाम मेहंदी, ये सारी शक्तियाँ जो है वो हमारे साथ में है। तो उस पत्र में आप लिखना। और यदि आपको वहाँ पर जो है यदि कोई आपने से कोई कष्ट पहुँचाएगा तो आप वो भी हमें लिख देना। आत्मा कोई साथ में उल्टा हो देवे का सोट तो तुम हमको लिखियो, भाई बान मंगाई गई चोट। और उसको जो है हम वहीं पर जो है हम यहाँ पर उस सुंदर साथ को बुला लेंगे और अपने वचनों के द्वारा जागृत करके आपके अनुकूल फिर उसको बनाएंगे। हम जो बीच बदल के पैटी बिस्तर पाए तो चौकी का पैटी तल पर बनेगा। और हमने जो भेष बता है वो माया से जो है उनको जो है निकाल करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इमाम मेहंदी की पहचान करवाने के लिए हमने ये भेष बदला है। मुसलमान सो हम तो डरे जो श्री देवचंद जी पर की ना होए, होती रही भाई वासना पर की सस्ता बुझाना है सोए। और जो है धनी श्री देवचंद्र जी ने जो है कैसे वासना को परख लिया था, वो फौजी भाई जो थी वो कैसे मुसलमान की थी और जो उनके अंदर जो है रई भाई की वासना जब परखा तो सुंदर साहब ने कहा कि क्या इनके अंदर भी अपनी पहचान है। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने कहा कि कोई कोई वासना जान कि यहाँ पर जो है कोई कोई वासना यहाँ पर आई हुई है। जान पे जो तुम क्या काको श्री देवचंद्र जी मान्या है सोना सत्य जान लिखा है असमझे ढूंढे बहतर है। तो महाराज की आज्ञा से चाहे किए चौदह का व्रत विकार सारा विश्व का बांट दिया सब शर्त। और धनी श्री देवचंद्र जी ने जो है कैसे लोकनाज मर्यादा और कैसे जाति पाति के बंधन को जो है कैसे खत्म किया, क्योंकि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो है वो पहचान बताई। और ये जो पहचान है ये जो है लोक प्रमाण के अंदर सातम ज्ञान के द्वारा रोशन होगी। ऐसी पाति की उठाई खड़ी करो चार वचन जी मात की तैसी कहा करो। और इस प्रकार से जो है आप पत्र पत्र लिखना और उनको माया के जो है वहाँ से जो है आप उनको उठाना, जो माया के अंदर सोए हुए हैं उनको सातम वचनों के द्वारा जागृत करना। कैसी नीति ऊपर लिखी भी जो तुम्हें जिनको जैसा घटता सबको पाती लिखो सबको में। और आपको जैसा उचित लगे जिस सुंदर साहब की तरफ लिखना वैसे ही आप पत्र लिख देना। कैसी ही बिहारी जी को नाग दिया कही नंदन पूरी वैसी हो जो आप क्यों कर सही। और वहाँ पर जो है नंदन पूरी में श्री बिहारी जी महाराज नाग जी भाई और अखई जी को जो है वो पत्र लिखना। देखिए बिहारी जी क्या लिखते ये जवाब ले किताब ये पत्नियाँ लिखिए जो अब किताब। और श्री बिहारी जी महाराज जी का जवाब भी आप देखना और सुंदर साहब के जवाबों को जवाब को भी आप पत्र के अंदर पढ़ना। अब तो तुम कैसे सिंह हो ऊपर में ही पास है कहो मर जा दिन करो काफी तुम भेजो आप है। और अब तो आप जो है कर्तव्य रूपी कवच जो है वो आपने पहन रखा है और किसी भी प्रकार का मुआवजा जो है वो संकोच जो है मन के अंदर मत लाना। काफी सहारों पे जियो उनके दिल की यो खबरें कोई तुमसे आपसी बात नहीं सो मालूम हो गई पर। और आप जो है पत्र व्यवहार जो है सुंदर साहब के साथ में बराबर में करते रहना। जो जैसा कैसी दिन को तीनों लिखियो तुम करा में जो आगे के मोह की गजात करा में। और जैसे अग्नि के सामने जो है मोह की गल जाता है वैसे ही आप जो है ऐसे वचन जो है वो पत्र के अंदर लिखना। और दया राम के भाइयों ने आगे आए जब आए बातें इन बातें करी ताई हम रुपया दे बेचार हजार जो इनको मार डाली ऐसी बात सुनाई खाने हमारी शर्म जाएगी जो हुए कम सरमाने। इस बात से यहाँ इनको गौर फेड़े की नस्बत मार डाल भाई को पैसे देके इस। और दया राम जी जो थे दिल्ली के सुंदर साथ है उनके परिवार वालों ने जो है 4,000 रुपये जो है उस समय के अंदर देने के लिए तैयार हो गए कि दया राम भाई जी को मार देना
कर सकते हैं। ऐसा कोई स्वाद की गोविंद विराजो ने तो बच वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक। और सिद्धि साहब जी ने कहा कि ये वचन जो है दृष्टांत के लिए जो गोविंद विरा के लिए कहे गए हैं। तुम जान शिरोमणि हो फूलों के नानी तुम्हें सब बात का बोझ जो उठाए के लिए जो तुम्हें। और तुम तो शिरोमणि सुंदर सात हो बुद्धिमान हो और तुम जो है किसी भी प्रकार की जो है आपसे भूल नहीं होगी। तुम साथ में सिरदारी छाती काट के कई सुखने वेदवन की मजा का सबको सिरमानों में। और आप तो सिरदार आत्माओं के अंदर जाने जाओगे आत्मान हो के और आपका जो है किस प्रकार से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और आपने जो है कैसे जो है लोक लाज मर्यादा और का आपने सिर बांध दिया है। कोई भी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया।
और इस संसार के अंदर जो है भोजन की अनेक जो है लहरें उठती हैं। साथ की श्री प्राणनाथ प्यारे की आपके धनी की आपके धनी की बारा सुंदर साथ की बारा सुंदर साथ की। क्योंकि जब धर्म पर जो है कैसे अत्याचार हो रहा था हिंदू धर्म पर, तो आप पार्वती स्वामी श्री प्राणनाथ जी निष्कृत उद्धवकाल जी के रूप में प्रकट हुए हैं।
लेकर के अपने आप को कुर्बान करके और ये जागनी का जो कार्य है, कैसे जागनी का वो जो है वो अपने ऊपर लिया है। यहाँ की हकीकत है भाई शेख बदल करेंगे तो सही जानियो सुनियो कानो से। और यहाँ की जो सारा जो हकीकत है हमारे यहाँ से मामा की प्राणा जी ने कहा कि वो शेख बदल जी आपको बताएंगे और वहाँ से जो है आप भी हमें पत्र लिखना। शेख बदल आए थी जी हमको बड़ा तो भय और सुख हम तुमको मिलेंगे समझ के माने। जो है शिवजी साहेब जी जब श्यामा मेर के अंदर पहुंचते हैं
सौभाग्य है। लेकिन सुंदरता जी, इस बात को कहते हुए बड़ा दर्द हम सबके अंदर होता है कि हे हमारे शिव की साया जी, हे हमारे पार्वती स्वामी श्री प्रभुनाथ जी, हमारी अंतरात्मा अंदर से कहती है कि वो जो प्रार्थना चौक बना, उस चौक में से आप बड़े मंदिर के जहाँ चरण कमल है, वहाँ पर आपके चरण कमल रखे होंगे। Let's go.
भर भर के